हेलो गाइस, मेरे पास आज है बायजूस की तरफ से आने वाला लेनोवो का टैब M10। चलिए सबसे पहले हम इसका इस टाइप आप ऐसे स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, इसके पीछे सारे स्पेक्स दिए गए हैं। चलिए हम अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर मेजर हाइलाइट्स है, जैसे हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 429 मिल जाता है, जो कि क्वाड कोर प्रोसेसर है। ठीक है, चलो हम अभी इसे ओपन करते हैं। देखिए वाह, जी 10 इंच की इसका डिस्प्ले है। चलिए सबसे पहले हम टैब को साइड में रखते हैं, इसमें बोस कंटेंट देख लेते हैं। हमें इसमें एक 10 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, इसकी रेटिंग 5 वोल्ट 2 एम्पियर है। और हमें एक माइक्रो USB देखने को मिल जाती है, टाइप ए टू टाइप बी। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे टैबलेट पर। आप इसके देख सकते हैं, इस टैबलेट में हमें एक वेब कैम मिल जाता है और साइड में वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन। चलिए हम इसे बूट कर लेते हैं। बूट तो हुआ पड़ा है। ऊपर की साइड हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और नीचे एलेक्सा डॉट मिल जाता है, इसे हम कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ पर टाइप बी USB का स्लोट है और जहाँ पर हेडफोन जैक और जहाँ पर एक माइक है। ठीक है, चलिए इस तरह का टैबलेट है। आपको मैं ज्यादा इसके बारे में दिखा नहीं सकता क्योंकि ये लॉक है बायजूस की तरफ से आने वाला। ठीक है, आपको इसमें दो एप्लीकेशन मिल जाएगी, बायजूस प्रीमियम और बायजूस प्रीमियम 4 और 5। आपको आने वाले वीडियो में इसमें दोनों एप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आप चाहे तो जहां से ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर, और बेसिक सेटिंग्स कुछ नहीं कर सकते आप, जैसे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं एंड एक ब्राइटनेस कम घटा बता सकते हैं। आपको मैं डिटेल अपना इम्प्रेशन दूंगा आने वाले कुछ समय में। चलिए बंद करते हैं जी वीडियो।